नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज कहा कि जदयू राजनीतिक दल नहीं गैंग है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता होता है कि नीतीश क्या कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को पता होता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई यूनाइटेड नहीं है, एक नेता है जिसका बोझ बिहार की जनता उठा रही है। नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जदयू अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा केंद्र की सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने संबंधी प्रश्न पर चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार सबसे ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग करती है। जो आदमी सबसे ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग करता है वही पदाधिकारियों को परेशान करने का काम करता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम में कहीं भीड़ जुटती है क्या। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदी का इस्तेमाल किया जाता है और आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को तो थोड़ा बहुत वोट भी है लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग कर भीड़ न जुटाया जाए तो 4-5 आदमी भी खड़े नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे तो जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें राजनीतिक हैसियत है तो राष्ट्रपति शासन लगवा कर चुनाव करा के देख लें, जमानत जब्त हो जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार यदि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे तो जमानत जब्त हो जाएगी। और जो नेता ये बोल रहे थे ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिमान है पदाधिकारी, उनको राजनीतिक हैसियत औकात है तो राष्ट्रपति शासन लगा कर चुनाव करा कर देख लें, जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत है सारे चीजों में, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग नीतीश कुमार की सरकार करती है, नंगा नृत्य करती है। पूरा बिहार आप देख लीजिए, यहाँ से लेके भागलपुर तक कौन चलाता है? जो आदमी सबसे ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग करता हो वो भाषण सुना रहे हैं। सबसे ज्यादा पदाधिकारियों को तंग करने का काम वही व्यक्ति करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार को ये क्षणिक भी बोलने का अधिकार नहीं है। जीविका दीदियों का सत्ता का दुरुपयोग कौन करता है? नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में कहीं भीड़ जुड़ती है क्या? वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और जीविका दीदियों को बुलाते, आशा कार्यकर्ताओं को बुलाते। वो कोई लालू प्रसाद जी है कि लालू प्रसाद जी को तो थोड़ा वोट भाट है भी, अरे नीतीश जी को कहां में वोट है? नीतीश जी सत्ता का दुरुपयोग ना करे तो 5 आदमी नहीं जुटे। नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने के संबंध में पूछे जाने पर श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में तो मुखिया को चुनाव नहीं जीते। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बिहार की किसी भी सीट पर चुनाव लड़ाकर दिखा दें, भाजपा का एक कार्यकर्ता कमल लेकर जाएगा और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में श्री चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने रेलवे को बेचने का काम किया। इतना बड़ा इकोनॉमी खड़ा भारत का नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ, लालू जी को क्या पता है? पूरा रेल बेचवा दिया लालू जी, पहले तो नौकरी के बदले जमीन लिया। पूरा रेल को बेचने का काम की शुरुआत किसी नेता ने किया, उसका नाम है लालू प्रसाद। आप पता कीजिए कि रेलवे में सबसे ज्यादा बेचने का काम लालू प्रसाद जी ने शुरुआत। नीतीश जी देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।